मुझे लगा दी रख मैं स्क्रीन ही हो जाऊंगा। हम लोग नॉर्मल बच्चों को लगता है कि बीच में अटक गए तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा, लेकिन देख लो ये सब मिथ्स हैं जो टूट रहे हैं। बिहार का बच्चा ये इंग्लिश वाला बड़ा मतलब दिक्कत होती है, तो तुम क्या मतलब इंग्लिश मीडियम से थे कैसे था? गांव से बच्चा निकल कर आया है, ऐसे बैकग्राउंड का बच्चा जब अफसर बनता है ना, मुझे नहीं पता था ये प्रेम नाम है, बिहारी के नाम से आता है। हाँ जी, तो क्या हाल है सबके, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ नए सीजन में। फतेह का नया सीजन है कि ये वेब सीरीज टाइप में बन गया है। हर साल में तो दो बार हो रहे हैं, बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो भाई मैं आया था पटना, पटना का शहर है अपना प्रेम, तो चलो मैंने सोचा इसको होटल ही बुला लिया और थोड़ा सा इंटरेक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं। इससे पहले मंदिर गए थे, प्रेम ने अच्छे से मंदिर घुमाया बढ़िया से। तो आज हम इस इंटरव्यू में जानेंगे कि प्रेम की जर्नी क्या रही है। मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग है यार जो तरह प्रेम ने मुझे बताया, मैंने सोचा ये सब चीजें आप तक भी शेयर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रेम वेलकम ऑन फतेह एपिसोड। थैंक यू सर। फतेह पहले देखे तुमने? यस सर, मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे उसके, शायद अभी 22-23 हो गए ना। हाँ मतलब मुझे नंबर याद नहीं कितने हो गए, लेकिन तुमने देखे बहुत सारे। यस सर, देखे। इंस्पिरेशन मिली बहुत ज्यादा सर। तो अब वही इंस्पिरेशन तुम्हें हमें और जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे उनको देनी है। तो फतेह थोड़ा प्रेम थोड़ा सा ये बताओ कि तुम कहाँ से आते हो, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, पहले बताओ। मैं आता हूँ बिहार के रोहतास जिले से, वो काफी कोलिंग है और आप देखोगे वो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है। मैं वहाँ के एक छोटे से गाँव चिक्सिल से आता हूँ। मेरे पापा और मम्मी मिलकर एक गांव में शॉप चलाते हैं और मैंने वहीं से अपनी 10वीं करी है। 10वीं के बाद मैं यहाँ पटना आ गया था। मैंने यहाँ पर एन कॉलेज पटना से अपनी 11वीं और 12वीं करी। अच्छा, और वो भी बताओ कि मतलब प्रेम ने मुझे बताया यहाँ पे कैसे रह रहे हो, 11वीं 12वीं तुमने कैसे करी? 11वीं 12वीं तो मैं आया था January 2021 में, क्योंकि उसके पहले तो कोविड था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त था रोशन चतुर्वेदी, हम दोनों ने साथ में यहाँ पर एक रूम लिया था बोरिंग रोड में, वहीं पर हमारा कॉलेज था। हमने साथ में खाना बनाया, साथ में हम रहते थे, साथ में हमने प्रिपेयर किया, वो भी इंडियंस पेरेंट है, तो हमने वैसा किया, हम खुद से बनाते थे खाते थे। मतलब घर से दूर रह रहा लड़का खुद खाना बना रहा है, और एक आप लोग हो जो घर पे बैठे हो, मम्मी मस्त खाना वाना बना के देती है, राइट? और मुझे बड़ा वो लगा, अच्छा लगा कि बच्चा खुद से सब कुछ। एक होता हॉस्टल में मैस वैस होती है, लड़का खुद से खाना बनाता है, रहता है, प्रिपरेशन करता है, और बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से लड़का रहा है। गाँव में नॉर्मल एक शॉप चलाते हैं इसके मम्मी पापा, कोई फैमिली बैकग्राउंड किसी भी टाइप का नहीं सर, ऐसा ही है सब नॉर्मल सब, कोई ऐसा कुछ कोई है नहीं आर्मी में, मैं जाना चाहता था, यही तो मेरी रीजन थी, बिगेस्ट रीजन, कोई है नहीं, मुझे बनना है पहला। गांव में है कोई? गांव में तो सर बहुत लोग हैं, मतलब गांव में आर्मी ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन जवान बहुत सारे। हाँ, जवान होंगे बहुत सारे। ऑफिसर सर मैं पहला बनूंगा, पूरे गांव का पहला ऑफिसर है। तो देख लो भाई, गांव का पहला लड़का, ये कितनी प्राउड की बात है, सोचो। अच्छा प्रेम, एक और बात बताओ, बिहार से जो भी बच्चा आता है, बिहार का बच्चा ये इंग्लिश वाला बड़ा मतलब दिक्कत होती है, तो तुम क्या मतलब इंग्लिश मीडियम से थे कैसे था? नहीं, मैंने 10वीं तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, और उसके बाद अगेन देयर वाज कोविड, तो क्या था ना कि मतलब मुझे करना था, मुझे पता था कि अगर मुझे एनडीए करना है मुझे इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में भी 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है, फिर एसएसबी में साइकोलॉजी टेस्ट एंड अदर टेस्ट में उसमें आपको इंग्लिश जरूरी होता है, तो मुझे इतना तो पता था कैसे भी करना है। तो मैंने शुरू तो मैंने कुछ दोस्तों की सहायता ली कि भाई कैसे करें, तो मैंने पहले ग्रामर सीखा कि हाँ ऐसे कुछ ग्रामर होता है, फिर मैंने डायरी राइटिंग शुरू करी थी, वो डायरी राइटिंग काफी हेल्प करती है। वो तो पहली बात आपको अपने इंस्टेंसेस के बारे में पता चलता है, आप दिन को ऑब्जर्व करते हो कि क्या चल रहा है दिन में, फिर आप उसे रात को लिख देते हो, तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, 10 मिनट लगता था। फिर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करी थी, मैं वियोन देखता था, वियोन ग्रेविटास आता है, पल्कित शर्मा उपाध्याय, और आपने देखा हो तो सर उससे मैंने सीखी थी। दसवीं तक कोई इंग्लिश का कुछ नहीं था? नहीं सर, मेरे 10वीं में 65 आया है इंग्लिश में, सबसे कम उसी में। और 12वीं में सर काफी अच्छे मार्क्स आए थे इंग्लिश में, स्पेशली सर धीरज सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई। देखो भाई, या आप इस बात को देखो कि करना चाहो तो सब पॉसिबल है। एक बच्चा बहाना बनाता है, 10वीं तक तो प्रेम ने भी कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बाद देख लो इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट करा इसने, इतना इम्प्रूवमेंट करा कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी सीख ली और लड़का रिकमेंड भी हो गया, ठीक है। यही चीज आपको भी सीखनी है, आप बहाने मत बनाओ। देखो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है भाई, एनडीए में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, झूठ क्या बोलना है इस चीज में, ठीक है। तो आप सीखो,
ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे यशमोर सर बोलते हैं ना कि यार ये वाला एग्जाम करना है ना बच्चे, तो आपको तो मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, ये वाली बात बोलते हैं, तो वही वाली बात है भाई, तो सीख लो। लेकिन सीखने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, वो भी चीजों कंसिडर करते हैं, बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको उतनी रिस्पेक्ट भी बोर्ड देता है। तो भाई ये तो हमने जाना प्रेम के बैकग्राउंड के बारे में, अब थोड़ा सा आते हैं कि भाई की एनडी की जर्नी कैसी है। तो एनडी कब सोचा तुमने प्रेम? सर वैसे तो मैं क्लास 6 से जानता था कि एनडी क्या है, मतलब मेरे कुछ वो गांव से कुछ थे वो जो सैनिक स्कूल में जा चुके थे, तो मतलब मुझे पता था कि एनडी कुछ होता है वो सैनिक स्कूल में क्लास 12 के बाद दिलाते हैं। फिर मैं जब क्लास 10th के बाद आया तो घर में मतलब लोग बोल रहे थे IIT दे दे या फिर कुछ और कर ले, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे तो जाना था आर्मी में, मैंने सोच रखा था। फिर मुझे एनडीए के बारे में पता चला, इसके मैंने इसके प्रोसीजर के बारे में जाना, फिर मैंने उससे प्रिपरेशन शुरू करी। मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं यहाँ पटना आया, तो मैंने अनअकैडमी ली, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ली थी मैंने और रोशन ने मिलकर, तो वहां से शुरू हुई। फिर मैंने वहां से क्लासेज देखना शुरू किया। अब इसके बैच के मिल जाएंगे, तुम किस नाम से आते थे बताना? वीर बिहारी के नाम से आते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लीडर बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करता था टेस्ट में, ये मुझे नहीं पता था ये प्रेम नाम है, वीर बिहारी के नाम से आते हैं। हाँ, तो फिर मैंने नवंबर में हुआ था उस टाइम, तो नवंबर वाला मेरा अच्छा गया था, लेकिन मैंने मैथ्स में उतना अच्छा नहीं किया था, मेरे मैथ्स में बस 67 आए थे अभी मार्कशीट मैंने देखा, तो उसके वजह से मेरा वो वाला नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मेरे बोर्ड एग्जाम थे फरवरी में, तो मुझे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना था क्योंकि मैंने किया नहीं था। बोर्ड भी अच्छे गए, फिर फरवरी में मेरे पास नेक्स्ट मार्क्स था, उसके बाद अप्रैल में मेरा एग्जाम था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पुराने लेक्चर्स देखने शुरू किए, क्योंकि पुराने लेक्चर्स ऐसे होते हैं ना, आप उनको 2x में देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो, रिकॉर्डेड होते हैं और आप एक दिन में ज्यादा पढ़ सकते हो, टाइम आपके पास कम होता है। उसके बाद मैंने चित्रा मैम है मैथ्स के लिए, मैंने इस बार चित्रा मैम को फॉलो किया। चित्रा मैम के मैंने पुराने 2019 के वीडियो देखे थे, और फिर उन्होंने इस बार वो वन शॉट वीडियो भी लाने शुरू कर दिए, तो मैथ्स मेरी थोड़ी सी अच्छी हो गई थी, मतलब पहले से तो काफी अच्छी हो गई थी। बाकी GAT तो सर धमाल मचा ही हुआ था। GAT कैसे तैयार करा? GAT मतलब बताओ। GAT सर पहली बार में जब मैंने किया था ना, GAT उस समय मेरा काफी अच्छा हो गया था। जैसे पहली बार मैंने क्लासेस लगाए थे वो बैचेस के, और फिर मैंने इस बार क्या किया था, इस बार तो मैंने अनअकैडमी ज्यादा यूज नहीं किया था, इस बार मैंने यूट्यूब ज्यादा यूज किया था। आपने शायद लास्ट में मुझे याद है 1 या 31 तारीख को आपने वो शुरू किया थे वन शॉट लेने, जियोग्राफी पैर लिया था। पहले तो मुझे वर्ल्ड जियोग्राफी में काफी डर लग रहा था, मैंने वो देखा, फिर आपके नोट्स मैंने ये देखे, वो नोट्स पढ़ने के बाद मुझे लगा भाई वर्ल्ड जियोग्राफी अब कुछ है ही नहीं, वो हो गया खत्म। हिस्ट्री मैंने करी, इकोनॉमी भी इस बार आपने करा दी थी, और सर सारे अनअकैडमी के उस पे हो रहे थे। स्पेशल क्लास में लिया मैंने इस बार। इस बार मैंने स्पेशल क्लास से मैराथन ली थी सारी, सही कह रहे। ये टीम उससे वो वाला पोर्शन अच्छा हो गया था। फिर श्याम सर थे, उन्होंने फिजिक्स अच्छी करा रखी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई दिक्कत था ही नहीं। उनका एक 400 क्वेश्चंस की एक PDF थी, वो बच्चे कर लेते हैं, वो तगड़ी हो जाती है हर बार, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहता आपको साइंस में। फिर इंग्लिश मैंने PYQ कर रखे थे, पहले धीरे सर से पढ़ रखा था, बस रिवीजन करने की जरूरत थी, तो इस बार इजी लगा मुझे पहले से ज्यादा। तो एक बार तुम्हारी खासी, तुमने टीचर सेलेक्ट करे, तुमने ऐसे नहीं वैसे मैथ वहां से पढ़ा, इंग्लिश वहां से पढ़ा, GS मुझ से पढ़ी, ऐसे तुमने टीचर सेलेक्ट करके और पढ़ा, ये एक्चुअली एक स्मार्ट अप्रोच है मुझे लगता है। बहुत बार बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता है, बच्चों लगता है कि इस बैच में ये वाला सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो अनअकैडमी यही तो है भाई, आप इस बैच से नहीं इससे पढ़ लो, मतलब पूरी एक फ्रीडम देता है। और मोस्टली बच्चा ये करता है, जैसे नॉर्मली ये ट्रेंड बना हुआ है, बच्चा चाहे कहीं से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ले, GS मुझसे पढ़ रहा है, और इसी वजह से रिकमेंडेशन भी मैं इतनी ज्यादा क्लेम कर पाता हूँ। बट बहुत बच्चा क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी फोटो डाली हुई ना प्रेम, तो बहुत बच्चे ने बुला रही है, तो अर्पित सर ने डाली थी, वहां भी डाली थी। माय पॉइंट इज बिल्कुल सही बात है, बच्चा अलग अलग जगह से पढ़ सकता है, GS मुझसे बहुत ही मतलब कॉम्बो बन गया था कि बच्चा कहीं से पढ़े GS पढ़ रहा है, इसलिए तुमने बोर्ड में भी उसमें वहां देखे बहुत बच्चे आए होंगे जो मुझसे पढ़ा। मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जो लर्निंग स्मिथ से पढ़ चुके हैं, या फिर वो मिलते हैं ना, अगर आप पूछो किसी से स्मिथ सर को जानते, अरे उनको कौन नहीं जानता। भाई यही वो है जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, बस यही वो कुछ पल है कि बस यही ये हो जाए, बच्चा रिकमेंड हो जाए। वो अभी प्रेम मुझसे ही पूछ रहा था, सर आपका मैं देखता हूँ स्केड्यूल इतना हेक्टिक होता है, फिर कैसे मैनेज करते हो? मैंने इसको ये बोला कि जब रिकमेंडेशन आती है ना, सारी टायर्डनेस सब दूर है, दोबारा लग जाओ, अगली बार फिर ऐसा ही होगा। और जब ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा निकल कर आ रहा है, गांव से बच्चा निकल कर आ रहा है, ऐसे बैकग्राउंड का बच्चा जब अफसर बनता है ना, तो मुझे दिख रहा होता है, क्योंकि मैं खुद बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, तो मुझे दिख रहा होता है कि एक लड़का ना
मतलब जनरेशन सुधार देगा, अपनी पहले की जनरेशन भी सुधार देगा और अपनी आने वाली जनरेशन भी सुधार देगा। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरा पुश है कि बस ये करना है, इतना पहुंच जाए। तो भाई ये तो हमने रिटर्न की बातें कर ली प्रेम से। अब SSB बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चा इतनी पर्सनैलिटी ग्रो कर रहा है जहां से आ रहा है बच्चा, तो इन जनरल SSB की जर्नी तुम्हारी क्या रही, क्या ऑब्जर्वेशंस रही? SSB सर, अभी मैंने रिसेंटली SSB दिया, तो सर SSB मेरे लिए फन टाइप का था। मतलब मैंने वहां पर एंजॉय किए, अच्छे दोस्त थे, हम 21 बंदे थे वहां पर स्क्रीनिंग, तो 21 काफी अच्छे थे। बाकी इस जर्नी में मैंने काफी अच्छे दोस्त बनाए, काफी अच्छे दोस्तों के साथ रहा, उनके साथ उन्होंने काफी हेल्प करा मुझे। मैंने शुरू जब करा था SSB तो मुझे सिमरत भैया मिले थे, पहले तो उन्होंने हेल्प करा, उन्होंने पहले बताया कि भाई होता क्या है, फिर उन्होंने कुछ बुक्स बताई कि ये कर ले वो कर ले, तो उन्होंने शुरू में हेल्प करा। फिर काफी दोस्त थे, उन्होंने बताया, मैंने फिर फतेह सीरीज में तैफ भैया वाली देखी थी, तो मुझे पता चला हाँ भाई आफा जाना है। बहुत लोगों ने बताया था, एक पवन भैया थे, उन्होंने बोला था कि हाँ भाई आफा जा सकता है, तो मैंने सोचा चलो आपा की, मुझे मैंने अभी रिटेन क्लियर नहीं हुआ था, बट मुझे लगा था कि हाँ हो ही जाएगा, तो मैंने आपा की सीट बुक कर ली थी। मैं गया वहां पर, उन्होंने मतलब जो था प्रोसीजर बताया और क्या करना है ये बताया, GTO काफी अच्छा हो गया था वहां पर, तो ठीक है। वहां से मैं आया, फिर वहां पर जो दोस्त बने थे, फिर हमने सेशंस किए रात को 8 बजे वाले, वो हम वहां पर डिस्कस करते थे ऐसे ही नॉर्मल चीजें जो दिन में चल रहा है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था, ये एक अच्छी चीज हुई थी। जैसे मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था ना, जनरल मोर सर की एक वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो है, अब शायद उन्होंने दोबारा भी बनाया था कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो इंटरेस्ट है आप उन्हीं को बस पढ़ते हो, तो उससे टाइम भी बचता है और आप अच्छे से पढ़ भी लेते हो। तो मैं दो दो न्यूज़पेपर पढ़ लेता था और कम टाइम में पढ़ लेता था, क्योंकि जो मेरे इंटरेस्ट होते थे मुझे पता होता था, मैंने वो करा। फिर उससे इंग्लिश में काफी अच्छी, जब मैं एडिटोरियल्स पढ़ता था ना सर, तो मैं उन्हें बोल बोल कर पढ़ता था, जैसे कुछ पढ़ना हुआ तो मैं उन्हें बस पढ़ता ही नहीं था, बोल बोल कर पढ़ता था, उससे मेरी जो एक्सेंट हुई या फिर कोई और चीज हुई, स्पीकिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव हो गई। हाँ, काफी ज्यादा हुई थी सर, मैंने लगभग 2 महीने वो करा था। ओके, तो उससे इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, अब मुझे मुझमें कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि हाँ मैं बोल लूंगा। फिर हमने सेशंस पे हमने वो इंग्लिश में बातें करी थी, या फिर GD करा था, या फिर दोस्तों ने मॉक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें भी मुझे लगा था मैंने उसमें काफी इंप्रूव करा था। उनकी वो हेल्प थी, उनकी जो नेचर थी हेल्पिंग थी, दोनों ने इस तरह हेल्प करा मुझे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आ गई। मैं थोड़ा सा डरता था क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था ना, बट कुछ वहां पर मैं जैसे ही स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग के दिन 9th को मेरा वहां पर रिपोर्टिंग था इलाहाबाद में, तो स्क्रीनिंग के दिन सर ऐसा था कि मेरा OER काफी अच्छा गया था, रीजनिंग तो काफी इजी आती है वहां पर। फिर PPET में अच्छी सी पिक्चर थी, रेस्टोरेंट की पिक्चर थी, मैंने उस पर सिंपल पॉजिटिव स्टोरी बनाई थी। और जब नरेशन था ना, तो वहां पर मेरी पहली ग्रुप थी, मैं चेस्ट नंबर 4 था स्क्रीनिंग के टाइम। उन्होंने बोला चलो आप लोग चलो, सबसे पहले आपकी शुरू करते हैं। वो 3 बंदे उन्होंने बोला, तब तक मैं अपनी स्टोरी मेमोराइज कर रहा था, हाँ कुछ बोलना तो है। इधर 3 थे, हम 14 का ग्रुप बना था, इधर 14 थे, 9 थे, तो हमने क्या करा, नरेशन शुरू करी, मैं बीच में नरेशन भूल गया, बट मुझे लगा कि मेरी स्टोरी काफी अच्छी थी और मैंने एक्शन वो सारी चीजें शुरू में बतानी होती है, मैंने वो बता रखी थी, तो काफी अच्छा हो गया था। मतलब नरेशन उतना भी अच्छा नहीं था, बट मैंने काम वर्क कर रखा था, GT में मैंने थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रखा था, मेरी स्टोरी तो नहीं बनी थी लेकिन जिसकी स्टोरी बनी थी मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, लाइक मैंने कुछ अपने पॉइंट जोड़ दिए कि हाँ भाई ऐसा भी करना चाहिए। फिर खत्म हुई, मुझे लगा नहीं था कि मैं स्क्रीनिंग हो जाऊंगा। हम लोग लो बच्चों को लगता है कि बीच में अटक गए तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा, लेकिन देख लो ये सब मिथ्स हैं जो टूट रहे हैं, और ये इलाहाबाद बोर्ड से है ये। 19 से था, तो स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद तो मैं काफी खुश था, मेरे साथ मैं चेस्ट नंबर 1 बना, चेस्ट नंबर 2, मैं सारे जितने भी लड़के थे मैं सबको पर्सनली जान चुका था, वो काफी अच्छे दोस्त थे मेरे। और उस रात मतलब जब स्क्रीनिंग हुए थे, फिर वहां पर मैं गया, वहां पर दोस्तों से बात करी, कुछ और पहले से बच्चे थे उनसे बात करी मैंने, तो फिर अगले दिन साइकोलॉजी टेस्ट थी। साइकोलॉजी टेस्ट मेरी काफी अच्छी गई थी, मैंने स्टोरीज अच्छी लिख रखी थी, वो ग्राउंडेड स्टोरीज, और मैंने साथीज कर रखी थी 50, वैट पूरे कर रखे थे, SD पहले से तैयार करनी होती है, वो मैंने रट रखा था, मैंने 7-8 मिनट में SD लिख दी थी। तो साइकोलॉजी टेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, एज आई वॉज चेस्ट नंबर 1, तो वो बोलते हैं चलो JC हमें पीछे लेके आया, वो वहां पर 19 का जहां पर इंटरव्यू होता है, वो बोलता है ओके आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक बंदा आता है चेस्ट नंबर 1 प्लीज कम हियर, क्या हो गया ये नंबर 1 अंदर गया, कहता है कि यहाँ पर लाइट जलेगी और आपको जाना होगा, मैंने बोला सर लाइट तो जल रही है, खड़ा क्यों है, जाना है।
गया, मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट सर ने लिया। वो काफी मस्त बंदे थे, उन्होंने शुरू किया टेल मी समथिंग अबाउट योर साइकोलॉजी टेस्ट। उससे फिर उन्होंने साइकोलॉजी टेस्ट कैसे प्रिपेयर किया मैंने इसके बारे में पूछा, मैंने बता दिया सर मैं आप पा गया था वहां पर मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा बता दिया। मैंने शुरुआती मेरी उससे हुई थी। फिर वो ज्यादा देर नहीं चला था मेरा इंटरव्यू, 30 मिनट चला था। मोस्टली सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन थे लाइक आर्मी के बारे में, क्योंकि मैं काफी ज्यादा फैसिनेटेड था, उनको लगा मुझे कि मैं काफी ज्यादा फैसिनेटेड था। मेरे PIQ में भी ज्यादा चीजें नहीं थी, मैंने कुछ कर ही नहीं रखा था सब क्लास 10 तक तो कुछ थी नहीं मेरे पास। मैंने लिख रखा था मैंने कबड्डी खेल रखा है, नथिंग हॉबीज में भी लिसनिंग म्यूजिक राइटिंग पोएट्री ये सारी बिल्कुल जो बेसिक चीजें होती है कुछ था नहीं उसमें। तो उन्होंने सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी, न्यूज़पेपर के बारे में मैंने बता दिया सर मैंने ऐसे इंग्लिश प्रिपेयर करी एज आई वाज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। कहा चल कोई बात नहीं, हिंदी भी हो गया था, मतलब वो भी हो गया था। 30 मिनट चला, मुझे लगा बस मैं अंदर गया बाहर आया, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। चेस्ट नंबर 2 वो भी आप पास थे, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। हम चेस्ट नंबर 1 और चेस्ट नंबर 2 का इंटरव्यू लगभग सेम चला था, हमारा पूरा प्रोसेस सेम चला था। उसके बाद फ्री था मैं पूरे दिन, हमने टेबल टेनिस खेली। वहां पर जो रिपीटर्स होते हैं ना, जब आप SSV में जाते हो तो रिपीटर्स के पास काफी ज्यादा वो होता है, ज्ञान होता है, वो उन्होंने सारी चीजें देख रखी होती है, तो आप उनसे बातें जरूर करो, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो शेयर भी करते हैं। उनके पास फनी इंसिडेंट्स जो होते हैं वो बताते हैं, भाई यहाँ पर ये हुआ था वहां पर ये हुआ था, वो बेस्ट पार्ट होता है SSV की। फिर आप खेलते हो, नेक्स्ट डे मेरा GTO था, GTO तो वहां पर अच्छा हो गया था मेरा GTO, मैंने दोस्तों के साथ करी थी तो GD भी मेरी अच्छी थी। GD के बाद PGT मेरी, मैंने कोऑपरेशन दिखाया था, कोऑपरेशन हमारा टीम भी अच्छा था तो हमने अच्छा किया था, AGT भी अच्छी गई थी। देन GOR तो फन होता है सब मतलब मजे करते हैं GOR में, लेक्चर 8 भी अच्छी गई थी, Day 2 भी अच्छा गया था और कॉन्फ्रेंस मेरी बस 1 मिनट चली थी, तो मतलब हाँ मैं अंदर गया, उन्होंने पूछा कैसा था, मैंने बताया सर अच्छा था, डिस्कशन भी ज्यादा देर नहीं चली थी, मैं 35 नंबर बनता तो मैं बैठा, फिर मुझे लगा अंदर बुला लिया, कुछ बात नहीं हुई ऐसे ही ठीक है, मैंने बोला ठीक है खत्म हो गया, मुझे लगा अब तो कर नहीं रहे रिकमेंड कुछ ऐसा खड़ा नहीं, 1 मिनट में तुमने कर दिया उन्होंने बात, मुझे लगा अब क्या ये तो मैं चेस्ट नंबर बनू, 1 मिनट में कर दिया। फिर चेस्ट नंबर 2 गया, उसका भी ऐसा ही सिमिलर था क्योंकि हमारे परफॉर्मेंसेज काफी सिमिलर थे, तो उसका भी सेम चला, वो सिद्धार्थ नाम था उसका, तो उसने भी काफी अच्छा कर रखा था। फिर जब वो कर्नल साहब आए उन्होंने बातें बताई कि हाँ यार आजकल कोचिंग वाले ऐसे बता रहे हैं, कोचिंग वाले वैसे बता रहे हैं, कुछ बता दी, हमें डर लग गया अब तो गए हम, हमने तो पहले ही बता रखा था कि हम कोचिंग वाले हैं। नाम शुरू हुआ, हम 21 में से 10 हो गए, मेरे से शुरू हुआ था क्योंकि मैं चेस्ट नंबर वन था, वो अलग ही फीलिंग थी सर, वो पता नहीं चला, मतलब उस समय पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, मजे आ गए थे सर उस टाइम। उसी फीलिंग के लिए तो सब जी रहे होते हैं और क्या ही होता है। देख रहे हो तुम बच्चों, यही इमोशंस है जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आज दिन रात मेहनत कर रहे हो इन इमोशंस के लिए, और इन इमोशंस को कभी शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, आज से कितना ही बोल ले लेकिन वो इमोशन उसी मोमेंट के होते हैं, वो उसी टाइम पे तुम अपनी पूरी लाइफ दिख रही होती है, आगे की भी पीछे की भी, कि क्या कुछ करके आए हो, कितनी मेहनत से यहाँ पे पहुंचे हो, माँ बाप तुम्हारे कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और फिर तुम आगे की लाइफ भी उसी, मतलब वो मोमेंट मिक्स होती है इमोशंस की। तो देख लो कितना जबरदस्त इन्होंने सब कुछ प्रेम ने बताया हमें, छोटी से छोटी बात से हमने शेयर करी कि कैसे ये सब चीज होनी चाहिए। एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, ये बहुत मैं कॉमन देख रहा हूं भाई, ऑब्वियसली बात है जो आपके गाइड होते हैं SSS होते हैं कोचिंग में बहुत गाइड करते हैं, लेकिन जो दोस्तों का रोल होता है ना वो बहुत जबरदस्त है। ये मैं मतलब इसकी नहीं, इससे पहले वाले बैच की, उससे पहले वाले बैच की, सबने एक चीज कॉमन बोली, सर हमने ना एक ग्रुप बना रखा था टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे, हम रोज रात को आते थे, रोज रात को 1 घंटा बात करते थे, डिस्कशन करते थे, GD करते थे, एक दूसरे के मॉक टेस्ट लेते थे, एक दूसरे की कमियां बताते थे, और ये वो प्रैक्टिस है जिसकी वजह से मतलब एक्चुअल में इंप्रूवमेंट आती है। बिकॉज जो आपका दोस्त आपको बता सकता है ना वो कोई नहीं बता सकता, अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके अंदर कमियां बता दे। तो ये बहुत ही इसमें स्पेशली मेंशन करते हैं, बहुत लोग इसको मेंशन नहीं करते बट मुझे बताते रहते हैं कि सर ऐसे हमने करा, ऐसे हमने करा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी इस चीज को जरूर करो। मतलब जो बच्चा बोलता है ना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करे, अरे भाई तू व्हाट्सएप ग्रुप पे बना ले, तेरे जैसे ना 1000 बंदे मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, साथ में जुट जाओ। आज के टाइम पे तो गूगल मीट जूम और ये सब करो, प्रैक्टिस करो, फोन पे बात कर लो, करना चाहोगे तो सब कुछ आसान है, ना करना चाहोगे तो बहाने 1000 है, ठीक है तुम्हारे ऊपर है। जब प्रेम जैसा लड़का इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ के, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं,
एक नॉर्मल सा बच्चा अगर अलाहाबाद बोर्ड से रिकमेंड होके देश की सर्विसेज के लिए जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि फिर कोई भी जा सकता है। मतलब मेरी डेफिनेशन सीधी ये है। नहीं भाई, मतलब देखो एक तरफ बच्चा क्या सोचता है, इसके पापा तो ऑफिसर थे, ये तो आर्मी बैकग्राउंड से था, इसके घर में तो वैसा माहौल था, वो भी जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बच्चा ऐसा भी जाता है। वो सर काफी मिथ्स होते हैं ना, मैंने देखा है बंदों को वो पूछते रहते हैं भाई आपके पापा आर्मी ने। सिर्फ कुछ बच्चे बोलते हैं सिर्फ सैनिक स्कूल के बच्चे जाते हैं, मतलब बहुत मिथ है। और मेरा मतलब इतने मैंने इंटरव्यूज ले लिए, इतने बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, मेरा एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप में दम है ना और आप में वो डेडिकेशन है, वो मेहनत आपने करी है, तो आप जा सकते हो। अब पीछे कंडीशन चाहे कुछ भी हो, बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के भी निकला है मेरा, ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल से भी निकला है, बच्चा ऑफिसर का भी निकला है, बच्चा सैनिक का भी निकला है, बच्चा एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से भी निकला है, हर टाइप का बच्चा निकला है। तो मतलब यू नेम इट एनी सिचुएशन और मैं अपना स्टूडेंट रिकमेंडेड दिखा दूंगा। तो भाई सिर्फ आप मेहनत करो, बाकी सब तो हो ही जाएंगे चीज, आप कहा मेहनत करना होगा। नहीं प्रेम, और कुछ जनरल संदेश देना चाहो तो? नहीं यार, मैं बताऊंगा, अगर मुझे कुछ बताना हो तो यही बताऊंगा यार, आप टेंशन ना लो, जैसे आपका एग्जाम्स है तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाओ कि नहीं यार, मतलब आपने प्रिपरेशन कर रखी होती है, आप क्या करते हो ना वहां पर जाकर आप ब्लंडर खड़े कर देते हो नए कि नहीं यार मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप प्रिपेयर होकर जाओ, और प्रिपेयर होने के बाद आप वहां पर अच्छा ही करोगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। और एसएसबी भाई फन है, जाओ तो वहां पर बस मजे करो। ये भी टेक्निकल एंट्री भर रहा है और ये बोल रहा है सर बस फन करने जाना है मुझे एक बार एसएसबी में, तो उसी नेचर से जाओ, क्या दिक्कत है। नहीं ठीक है, फिर कदम करें। यस सर, चलो भाई थैंक यू सो मच। और ये मैं पहला फतेह एपिसोड शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आने में दूसरा तीसरा हो जाए, बट इस सीजन का ये पहला एपिसोड है, पूरी कोशिश रहेगी जल्दी इसकी वीडियो भी रिलीज करें, पटना की धरती पर आके। पटना इज वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, मैं उतना टाइम निकाल के नहीं आ पाया, प्रेम ने मुझे दोबारा इन्वाइट करा गया सर, समय निकाल के आना अगली बार। तो बस इस इंटरव्यू में आज इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।